टी ट्वेंटी का सीजन जारी है और आपको बताते चलेंगे इस वक्त हम बात करने लगे हैं आज पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो कि 5 साल बाद आपको सुपरस्टार नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत को देखकर इस वक्त जो है पूरी तरह से एक्स क्रिकेटर और साथ साथ पूरी तरह से सोशल मीडिया भी इस वक्त उनकी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के 5 ऐसे उभरते हुए सितारों की जो कि रिप्लेस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त के बड़े टी ट्वेंटी प्लेयर्स को। जनाब शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूं इस वक्त के कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान को पूरी तरह से वर्ल्ड कप जितवाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इस वक्त मोहम्मद हारिस का, जो कि राइट हैंड बल्लेबाज हैं, पेशावर धर्मी का हिस्सा है इस वक्त, और उनके बैटिंग स्टाइल ने, उनकी टेक्निक ने और उनकी जारहाना अंदाजी ने, जिस तरह से बहादुरी के साथ वो किसी भी बॉलर को आड़े आने नहीं देते, बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हैं, उनको पाकिस्तान का बड़ा फ्यूचर स्टार करा दिया जा रहा है। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने शानदार तरीके से पाकिस्तान की टी ट्वेंटी में परमानेंट जगह बनाई है, और आपको साथ साथ बताता चलूं कि जिस तरह से उन्होंने साथ साथ विकेट कीपिंग के फ्राइज अंजाम दिए हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक अच्छा टी ट्वेंटी का विकेट कीपर जो है इस वक्त मौजूद है। नंबर टू पोजीशन की बात करते हैं तो जनाब नंबर टू पर आते हैं इस वक्त एक और पेशावर जर्मी के उभरते हुए सितारे साइम अयूब, और साइम अयूब ने जिस तरह से अपनी बैटिंग शॉट्स को लेकर और साथ साथ जिस तरह से अपने जारहाना अंदाज को लेकर जनाब टी ट्वेंटी में नाम कमाया है इस वक्त, तो बहुत ही शानदार तरीके से वो इस वक्त बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं बल्कि शानदार तरीके से इस वक्त जनाब पूरी तरह से छाए हुए हैं। उनकी जिस तरह से बैटिंग है और पेशावर जलमी को जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दी है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जनाब छाए हुए हैं और आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। उनकी टेक्निक, उनकी जनाब टेढ़े बल्ले की शॉट्स डेफिनेटली हर कोई देखना पसंद करता है। तो साइम अयूब वो दूसरे बड़े प्लेयर हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं फ्यूचर में और अगले 5 साल में सुपर स्टार बनने जा रहे हैं। नंबर थ्री पोजिशन की बात करते हैं तो जनाब आजम खान की बात करते हैं, तो कौन नहीं जानता आजम खान को, जिस तरह से उन्होंने टेम्परामेंट शो किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी शॉट्स को डेवलप किया, तो डेफिनेटली आजम खान विल बी ऑन द नंबर थ्री और शानदार तरीके से वो पाकिस्तान के लिए सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, और उनके पास बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश प्रीमियर का लीग का एक्सपीरियंस, सीपीएल का एक्सपीरियंस और साथ साथ जनाब टी ट्वेंटी का बेशमार एक्सपीरियंस उनको और ज्यादा प्लस पॉइंट देता है। तो आजम खान जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं और 5 साल बाद आपको बड़े सुपरस्टार बनते हुए नजर आएंगे। नंबर फोर की बात करते हैं तो बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी जिनको पीएसएल 8 से पहले कोई बेहतरीन तरीके से जानता नहीं था, लेकिन अब उनको हर बंदा जानना शुरू हो गया है, स्पीड स्टार पाकिस्तान के उभरते हुए बहुत ही स्पीड स्टार एहसानुल्लाह की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो एहसानुल्लाह वो बड़े बॉलर बन सकते हैं फ्यूचर में जो कि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मैचेस जितवा सकते हैं, तो डेफिनेटली एहसानुल्लाह भी इस लिस्ट में शामिल है। जिस तरह से उन्होंने तेज गेंदबाजी की, ना सिर्फ तेज गेंदबाजी की बल्कि अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, अपनी माइंड को यूज करते हुए, जहां पर स्लो डिलीवरीज भी डालते हैं, बैकवर्ड द हैंड भी डिलीवरीज डालते हैं, तो डेफिनेटली उनको पता है कि किस बॉलर को किस तरह का जनाब बॉल करना चाहिए और आगे प्लेयर को देखकर किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। तो डेफिनेटली एहसानुल्लाह विल बी वन ऑफ द वन स्टार जो कि अगले 5 साल में बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियां लाकर दे सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं तो जमान खान की बात करते हैं। जमान खान लाहौर कलंदर का उभरता हुआ सितारा, स्लिंगी एक्शन मलिंगा से मिलता हुआ उनका एक्शन और बेबाक खिलाड़ी, ना सिर्फ वो सिर्फ बॉलिंग से डराते हैं बल्कि उनकी बैटिंग स्किल्स भी बहुत हैं। दोस्तों अभी तक आपने उनकी बैटिंग स्किल्स देखी नहीं है, लेकिन मैंने उनको लाइव प्रैक्टिस करते हुए देखा है, लाइव मैच में परफॉर्म करते हुए देखा है, तो बेहतरीन पावर हिटिंग की एबिलिटीज हैं उनके पास। अभी तक उनको कोई मौका मिला नहीं है पीएसएल में, क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर ने अभी तक परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है, अभी तक डाउन द ऑर्डर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई नहीं है जमान खान के कंधों तक, लेकिन डेफिनेटली ही इज अ वेरी वेरी पावर हिटर। तो जमान खान जैसे यंग और टैलेंटेड लोगों को पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मौके अगर मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो भी अगले 5 साल में आपको बड़े सुपरस्टार जो है बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये वो 5 खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के अगले 5 साल में सर्व अगर करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे पाकिस्तान के। इन 5 प्लेयर्स को बेहतरीन तरीके से ग्रूम करना चाहिए, ना सिर्फ ग्रूम करना चाहिए बल्कि आने वाले फ्यूचर को देखते हुए ये पाकिस्तान की फ्यूचर लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा सर्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल से इन 5 खिलाड़ियों में से आप किस खिलाड़ी को अगले 5 साल में सुपरस्टार बनता हुआ देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सब लोगों तक यूं ही पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।